डिजर्व्ड एमडी सर हमको ये बताने वाले हैं कि हम लीडर्स की फौज कैसे खड़ी करें। दोस्तों जब जंग होती है ना, जब लड़ाई होती है, तो वहां पर जीतता वही है जिसकी बहुत बड़ी फौज होती है। तो यहां पर भी अगर हमको अपनी गरीबी की इस जंग को जीतना है, तो हमको यहां पर बहुत बड़ी फौज खड़ी करनी पड़ेगी, बहुत लीडर्स की फौज को खड़ी करनी पड़ेगी, तभी हम ये गरीबी की जंग को जीत पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस गरीबी की जंग को जीतना चाहते हैं। जीतना चाहते हैं तो एक बार वहां पर जोरदार क्लैपिंग करिए अपनी जगह पर बैठ के। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों बहुत जल्दी हमारा ये सेशन अभी चालू हो जाएगा, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए ये हमारा जूम मीटिंग है, मतलब ये वीडियो मीटिंग है, तो आप अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखिए। साथ साथ में आप एक जगह बैठ जाइए, आप मूवमेंट ना करें, इधर उधर हिले डुले मत, आप एक जगह बैठे रहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मीटिंग को आप बैठ के अटेंड करिए। देखिए कई लोग हैं जो इस सो के इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस मीटिंग को बैठ के अटेंड करिए, क्योंकि वो हमारे दिमाग में घुसेगा, हमारे मस्तिष्क में घुसेगा, और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। प्लस मुझे लग रहा है कि आप सब डायरी लेके जरूर बैठे होंगे, तो एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो डायरी पेन लेके बैठे हुए, एक बार दिखाएंगे मुझे स्क्रीन पे। क्या बात है, अच्छा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जूम मीटिंग का महत्व क्या है और हमें किस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लोग हैं, उड़ीसा से लोग हैं, गुजरात से हैं, क्या बात है, महाराष्ट्र से लोग जुड़ चुके हैं, राजस्थान से लोग जुड़ चुके हैं, आसाम से, मेघालय, नागालैंड, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ चुके हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, फटाफट अपने लोग जिनको आपने इनवाइट किया था, वो अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप उनको बोलिए कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आज तो धमाल होने वाला है, आज हमें वो रहस्य का पता चलने वाला है जिससे हम लीडर्स की फौज खड़ी कर पाएंगे, हम अपने बिजनेस को 100 गुना 10 गुना आगे बढ़ा पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार अपने हाथों को ऐसे मलिए फटाफट 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अपनी आंखों में लगा लीजिए एक बार 10 सेकंड के लिए। यस, आप देखिए आपको फ्रेश महसूस हो रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं एमडी सर को बुलाने से पहले मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जिनकी वजह से और जिनके वजह से आज मैं यहां पर हूं और हम लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं हमारे नेशनल ट्रेनर, हमारे नेशनल मोटिवेटर को। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा, एक बार जोरदार क्लैपिंग करके उनको बुलाइए, जोरदार, मतलब आपके दूसरे आपके घर में भी जो सोए हुए हैं सब उठ जाने चाहिए। तो प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच किशोर जी। और माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, भारतवर्ष के कोने कोने से जुड़े हुए सभी लीडर्स को मैं आज इस मंच पे स्वागत करता हूँ। किशोर जी ने बहुत ही शानदार शुरुआत की है और यकीनन आज का जो मीटिंग है वो धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमें बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेगी जिससे हम अपनी टीम में लीडर्स की फौज खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ दो चार टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बातचीत करूंगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, रेंडमली बात करेंगे, कुछ लीडर्स से बात करेंगे, और फाइनली हमारे एमडी सर हमारे बीच में आएंगे और वो हमें गाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी टीम में लीडर्स की फौज खड़ी कर सकते हैं। लीडरशिप दोस्तों, ये टॉपिक जो है ना, मैं ऐसा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दूसरा नाम है लीडरशिप। लीडर बनना या अपनी टीम में लीडर्स बनाना, ये कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, यही काम है हमारे लिए। और इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक आपको नाम लिखने के लिए कहूंगा, एक नाम है जॉन सी मैक्सवेल। ये जो व्यक्ति है, इसने लीडरशिप के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में लीडरशिप के ऊपर इससे बढ़िया कोई नहीं जानता और इससे बढ़िया कोई लिख नहीं सकता। तो अगर आपको लीडरशिप में और डीप में उतरना है तो ये एक नाम जरूर लिख लीजिए, जॉन सी मैक्सवेल। दोस्तों ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं,
और हम सब लोग इस बिजनेस में इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो इस बिजनेस के बाहर की जो दुनिया है, जैसे नेटवर्क के बाहर की दुनिया है, माई रिचार्ज के बाहर की दुनिया, जैसे हम नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे हमको पता है कि अगर हम 20 साल भी मेहनत कर ले तो वो चीजें नहीं मिल सकती जो हमें यहाँ पे 5 साल में मिल सकती। जैसे आप माई रिचार्ज में 5 साल में ये सपना देख सकते हैं कि 5 साल में आप महीने 3 लाख 4 लाख इनकम पे पहुंचे। कल हमारे बीच में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट आए थे, मिस्टर आशिक अंसारी, जो दीमापुर नागालैंड से थे। उन्होंने बोला कि मुझे 5.5-6 साल हुए हैं माई रिचार्ज में और मैं 3 लाख से ऊपर कमा रहा। तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल है कि 5.5 से लेकर 6 साल के अंदर एक व्यक्ति जो है वो 3 लाख से भी ज्यादा मंथली इनकम पे पहुंच चुका है और उसकी टोटल इनकम जो है वो लगभग 2 करोड़ के टच होने को आई है। तो माई रिचार्ज में ये सपना हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस को 5 साल करता हूँ तो मुझे महीने 3 लाख 4 लाख इस प्रकार की इनकम मिले। लेकिन जॉब में हमें पता है कि 10 साल करके भी वो चीज पॉसिबल नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल करके भी हमें पता है वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको पता है कि रिटायरमेंट पे भी वो 4 लाख नहीं होने वाली। दुकान चला के, छोटे मोटे बिजनेस करके, खेती बाड़ी भी, ये चीजें पॉसिबल नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये पॉसिबल है। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बातचीत कही कि ये लीडरशिप का बिजनेस, माफी चाहूंगा, कुछ 2-4 दिन से परेशानी चल रही है। मुझे लगता है कि 10 साल बाद मुझे खांसी हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा जिद्दी खांसी हुई है, कोई बात नहीं। तो ये जो बिजनेस है ये 2 चीजों का बिजनेस है। कई बार लोग बोलते हैं सर मैं समझ गया हूं इस बिजनेस को, तो मैं अक्सर उनको कहता हूं कि ये समझने का भी बिजनेस है, समझाने का भी बिजनेस है। ये सिर्फ समझने का बिजनेस नहीं है, ये समझाने का भी बिजनेस है। और मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर आपके पास 20 लोग हैं जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में, ऐसे तो आप बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, बड़े सेमिनार करते हैं, आपकी टीम में जूम मीटिंग करने से भी 50-100 लोग आ जाते हैं, लेकिन सच में जिसको आगे बढ़ना है ना, सच में कि नहीं सर मुझे बढ़ना ही है आगे और उसके लिए मैं आपको फॉलो करने को तैयार हूं, मैं कंपनी के सिस्टम को फॉलो करने को तैयार हूं, आप जो बोले वो सब कुछ काम करने को तैयार हूं, ऐसे अगर आपके पास 20 लोग हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इंडिया के सबसे टॉप नेटवर्कर बन सकते हैं। आप जो चाहे वो सपना पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बचती है? आपकी ड्यूटी बचती है कि ऐसे 20 लोग जो है हमारी टीम में उनको डेवलप किया जाए। देखिए माई रिचार्ज जो है वो एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ती है। हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर हमेशा हर मीटिंग में एक बात को दोहराते हैं कि हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि लीडर जो है वो बनाए जाते हैं, लीडर पैदा नहीं होते, कोई व्यक्ति जन्म से लीडर नहीं होता है, लीडर बनाए जाते हैं, यानी कि लीडर बना जा सकता है, कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है, लीडरशिप डेवलप की जा सकती है। तो आपके पास जो टीम है वही लोग लीडर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वही लोग आपके जैसे शानदार लीडर बन सकते हैं। तो वो कैसे किया जाएगा, वो आज इस टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों एक जो फार्मर होता है ना, जो अपने खेत में अनाज उगाता है, वो एक्चुअली दाने को उगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है, वो दाने को उगने के लिए एक माहौल खड़ा कर देता है। वो दाने को उगने के लिए एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है कि दाना अपने आप उग जाता है। वो दाने को जाके कुछ नहीं करता है, वो दाने को जमीन में उगा देता है एक बार, और आसपास वो वीड्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो घास होती है उसको निकाल देता है, उसको समय समय पर पानी देता है, उसका ध्यान रखता है, वो दाना उगता अपने आप। तो लीडरशिप में मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि जो व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की चाहत है वो अपने आप लीडर बन जाए, तो इससे बड़ी चीज कोई दूसरी नहीं हो सकती अपनी टीम में लीडर्स की पोस्ट खड़ी करने के लिए। 2 दिन पहले मैं कुछ काम कर रहा था तो मेरा बेटा मेरे पास आया, बोलता है डैडी मेरे साथ कुछ खेलिए, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो मैंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर पढ़ा था
जिसमें वर्ल्ड मैप था, तो मैंने उसके कुछ टुकड़े करके दे दिए कि आप एक काम करो, पहले इस वर्ल्ड मैप को जोड़ो, आप इसको जोड़ो, उसके बाद मैं आपके साथ खेलता। मुझे लगा कि वो इस काम को एक घंटे में भी नहीं कर पाएगा और उतने में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो 5 मिनट में आ गया, बोलता ये लीजिए मैंने कर दिया। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मैंने बोला कि तुम्हें नक्शे के बारे में इतना नॉलेज है कि कौन सा देश कहाँ पे आएगा, ये कैसे पता चला? तो वो जोर जोर से हंसने लगा, बोलता है कि डैडी मुझे नक्शे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने जो पेपर फाड़ा है ना उसके पीछे डोरेमोन की फोटो थी, डोरेमोन का मुझे पूरा नॉलेज। तो मैंने डोरेमोन को जोड़ दिया, पीछे के पिक्चर को जोड़ दिया, तो आगे का अपने आप जुड़ गया। इतना ही सिंपल है दोस्तों। अगर हम लोग एक सिस्टम को डेवलप करने के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे ये जूम मीटिंग डेली हम लोग कर रहे हैं, डेली आपको एक लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है। हमने वासुदेव घोष को सुना, हमने आशिक अंसारी को सुना, हमने आबिर बागची सर को सुना, हमने कई लीडर्स के प्लान देखे, कई लोगों के होस्टिंग देखे, हम MD सर को सुन रहे हैं, हम पारिया सर को सुने हमने, जिनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो जब एक लाइन बोलते हैं तो एक किताब से बड़ी होती है। तो ये जो माहौल में जो लीडर आपका आ गया, ये जो जूम मीटिंग के माहौल में जो लीडर आपका आ गया, उसको फिर लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसे खेत में आ गया है जहां पे वो उगने वाला है और बड़ा लीडर बन सकता है। तो इसको पूरी तरीके से एक जबरदस्त मिशन के रूप में लेने की जरूरत है कि 2023 का ये हमारा मिशन। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि ये सिर्फ समझने का बिजनेस नहीं है, समझाने का भी बिजनेस है, लेकिन पहले तो समझने का ही बिजनेस है। पहला तो यही है कि क्या मैं डेली जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूं? 400 लोग आज हमारे साथ है। ये 400 लोग अगर ये कसम खा लेना कि अगला एक साल रोज सुबह 6:30 बजे, संडे को हम लोग नहीं करते क्योंकि हम सब जानते हैं कि संडे को जो है हमारा कोई ना कोई सेमिनार होता है। अच्छा, एक लड़के से कल बात हुई, बोला अच्छा सर संडे इसीलिए नहीं करते कि लोग लेट उठते हैं। अरे भाई, जो सोमवार से शनिवार तक उठ जाता है ना, उसको संडे नींद नहीं आती, तो संडे को भी उठ ही जाएगा, लेकिन संडे को हमारे सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, हमारी अपनी टीम की कुछ प्लानिंग होती है, इसीलिए संडे को ये मीटिंग हम नहीं करते, सोमवार से शनिवार। तो इसमें ये जो 400 लोगों में जो भी व्यक्ति डिसाइड कर लेगा कि अगला एक साल मुझे इस मीटिंग में आना है और धीरे धीरे करके मुझे अपनी टीम को भी इस मीटिंग में डालना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 2023 में दिसंबर आते आते उसकी इनकम जो है वो 1,00,000 रुपए से कम हो। तो ये कुछ बातें, जो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बातों बातों में बताई है कि ये समझने का भी बिजनेस है और समझाने का भी बिजनेस है। और हमारा एक ही काम है कि हम खेत तैयार कर दें, दाना अपने आप उगेगा, हम माहौल क्रिएट कर दें। अगर हम सिस्टम क्रिएट कर देंगे, जैसे ये जूम मीटिंग का सिस्टम है, मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहे हैं, मैं काउंट कर रहा हूँ कितने लोगों की वीडियो ने, एवरी डे वो नंबर बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कितने लोग सूट में आने लगे, एवरी डे वो नंबर बढ़ रहा है। किशोर जी को जूम मीटिंग में मैं तीसरी या चौथी बार सुन रहा हूँ। कल मैंने रात को 11 बजे उनको मैसेज किया कि कल सुबह आप पहुंचेंगे, कोई बातचीत नहीं हुई। आज उनका परफॉर्मेंस देख के मैं ताज्जुब में हूँ, बहुत ही शानदार, क्योंकि उनको बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो ये जब खेत तैयार हो जाएगा तो दाना अपने आप उगेगा दोस्तों। तो मेरा मानना है कि अगर हम अपनी टीम में लीडर्स की फौज खड़ी करना चाहते हैं तो उन लोगों को इस मीटिंग में एंटर कराना एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। अलग अलग उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना तरीका नाम का दुनिया में कोई तरीका होता नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता था। MD सर हमें डिटेल में बताएंगे कि हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, और 2023 ये मिशन के रूप में हम लोग चल रहे हैं। आज 400 लोग इस मीटिंग को, अभी 416 लोग ज्वाइन किए हैं, देखते देखते ये 600 हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम 6:30 पे मीटिंग शुरू करेंगे, 6:35 पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6:30 पे कर रहे हैं, और जब मीटिंग शुरू कर रहे हो सकता है हमारे साथ सीधे 5,000 लोग जुड़ जाए, और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब मैं कुछ लीडर से भी बात करना चाहूंगा कि किस प्रकार से वो अपनी टीम में इस जूम मीटिंग को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपनी टीम में इसको प्रमोट कैसे करते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं, कैसे उनकी टीम से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और इस जूम मीटिंग से क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में कुछ लीडर्स के व्यू भी जानेंगे, कुछ 10-12 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद हम सीधा MD सर के पास जाएंगे और सर हमें गाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम 2023 में इस जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी टीम में लीडर्स की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आबिर बागची सर को कि वो हमारे बीच में आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर आबिर बागची
My Richard Ayurveda morning, sir. Thank you, respected MD sir, and our national trainer, Chetan sir. रियली ये जो मीटिंग है ये रियली बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जो कैसे लीडर बनता है. लीडर जैसे सर ने पहले स्टार्टिंग में कहा, लीडर बनता नहीं, बनाया जाता है. तो स्टार्टिंग में आपको नॉलेज जो चीज है, नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा. आप जितना सीखेंगे उतना आपका अंदर में नॉलेज आएगा और आपको हर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे. जैसे आप अगर किसी को कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा उनको रिक्वायरमेंट क्या है. मतलब वो किसी के पास बहुत पैसा है, उनका हेल्थ नहीं है, कोई रिकॉग्निशन चाहता है, तो अलग अलग आदमी को सोचने का जो माने उनको रीड करना पड़ेगा जो उनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है. जब आप रिक्वायरमेंट आप समझ जाएंगे किसी का तो देखिएगा वो आसानी से आपसे जुड़ जाएंगे, नहीं तो कुछ बात करेगा आप कुछ बात करेंगे तो उसमें होगा नहीं. तो लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा चीज जो है नॉलेज. नॉलेज आपको कंटिन्यूस एक लर्निंग का प्रोसेस का थ्रू से जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपको जैसे कोई भी देखिए हर आदमी से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है. आप ये मत सोचिए आज एमडी सर बोल रहा है तो इनका मीटिंग आज हमको रहना है, दूसरा दिन कोई दूसरा आदमी बोल रहा है वो उनको क्या पता है. दोस्तों मैं बता रहा हूँ हर इंसान का पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, और उस नॉलेज आप गेन करते रहेंगे तो एक दिन आपके पास बहुत सा नॉलेज आएगा. आपका अंदर से सबकॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्शन दे देगा एक आदमी से कैसे बात करना है. जैसे प्रोडक्ट लेके हम लोग काम करता है, तो हमको इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रोडक्ट के बारे में आप जितना जानकारी ले सकते हैं आप लेंगे. उसके बाद कुछ टेक्निक्स है जो हमारा नया जो हमारा जो लीडर्स है उनसे मिलेगा, जो ट्रेनर्स चावड़ा जी देखिए ऑलवेज देते रहते हैं, फिर हमारा एमडी सर इतना अच्छा मोटिवेशन देता है, उनको सुनते रहिए, नया लीडर्स को सुनते रहिए, ये सिलसिला जारी रखिए लर्निंग का, तो आपको बिजनेस जरूर बढ़ेगा दोस्तों. तो चलिए थैंक यू आज तक यहीं पर. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच बाकी सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई. वासुदेव सर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए, और मैं वासुदेव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी टीम में किस प्रकार से इस जूम मीटिंग को लेके प्रमोशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस ये जो मॉर्निंग की मीटिंग है हमारी, इस मीटिंग में उनकी टीम से कितने लोग जुड़ेंगे, उनका क्या प्लानिंग है, और किस प्रकार से उनकी टीम में इनको वो प्रमोट कर रहे हैं. जी वासुदेव जी. हाय रिचा जावेद, मॉर्निंग सर. ये तो एक मौका है कि हमको बार बार एमडी सर और चेतन सर को मिल रहा, और इसके लिए मैं सबसे पहले खुद को अटेंड करवाता हूँ, यानी हम खुद इसको अटेंड करते हैं. मैंने एक बार एक मीटिंग में बोला था कि हम सर्च कर रहे हैं कि हमारे टीम से कौन कौन साथी इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे. सबसे पहले जब कंपनी से ये चीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम ग्रुप में इसको प्रमोशन करते हैं. कई बार क्या होता है कि कुछ डेड लीडर होता है जो देखता है लेकिन कोई एक्शन उसका नहीं होता है, तो हमें क्या करते हैं, हमने बहुत बार फॉलो किए हैं कि ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट है जो हम प्रमोशन नहीं कर रहे लेकिन कंपनी लेवल से इसका प्रमोशन हो रहा, तो उस दिन एक बार दो बार हमसे मिस हुआ है, लेकिन उसके बाद हम समझ गया कि ये काम मेरा है कंपनी का नहीं है, तो हम इसको प्रमोशन करते हैं. दूसरा है कि हम जब सेमिनार करते हैं तो सेमिनार में एक पार्टिकुलर पार्ट रखते हैं कि जूम कैसे होता है, जूम में, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि मीटिंग में कुछ लोग आके सोया हुआ है, कुछ लोग आके इधर उधर घूमता है, तो इसको आप पहले अगर कंपनी लेवल से नहीं, पहले अगर हम अपने मीटिंग में इस चीज को सिखा देंगे तो ये जूम में प्रॉपरली ये हमारे साथ अटेंड करना आसान होता है. तीसरा जो है वो है हम खुद जूम ऑर्गेनाइज करते हैं. जब हम जूम ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस मीटिंग का प्रायोरिटी हम समझाते हैं वहां पे कि भाई ये जो हमारा जो मीटिंग है ये आपके पास वाइटल हो या नहीं हो. जब एमडी सर का और चेतन सर का इवेंट होता है या पाड़िया साहब का इवेंट होता है वो हमारे पास महत्वपूर्ण होता है, तो वो समझाते हैं हम. और दूसरा नेक्स्ट जो है वो है मौका. सर अगर हमको किसी जगह पे जाए के बिना, अगर हमको किसी पैसा खर्च करके बिना घर पे रह के अगर ये मौका मिलता है तो ये आसानी से हम कर सकते हैं, टीम को भी करवा सकते हैं. और दूसरा सर मेरा एक बहुत बड़ा चीज को हम खत्म करके इस जूम को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मॉर्निंग वॉक का जो सेशन था वो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक है. मैं उस चीज को प्रॉपरली उसको कैंसिल करके मैं इसको अभी ड्यूटी में लाया और साथ में हम इसको कन्वर्ट कर दिया शाम के समय पे कि हम उस वर्क को हम शाम के समय पे करता हूँ. बस प्रायोरिटी हमारे पास मेन है, मैं इस मीटिंग को प्रायोरिटी देता हूँ और टीम को बताता हूँ. लेकिन चेतन सर ने आज जो बताया कि कौन आपके साथ
मेनली कौन जिंदगी को बदलना चाहते हैं वो चीज मैं भी जूम में फॉलो करता हूँ और आगे ऐसा भी करूंगा और आने वाला दिनों में हमारे टीम से मिनिमम 100 लीडर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये मेरा टारगेट है। थैंक यू सर। वासुदेव जी की एक बात को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि वो खुद अपनी टीम में जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते और यही रीजन है कि उनकी टीम से बहुत से लोग यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट उन्होंने बताया कि हम उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, ये तो कंपलसरी है, ये तो करना ही है, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ के खुद भी अपनी टीम में आप जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे अगर इस मीटिंग में 450 लोग जुड़े हैं तो मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको भी इस काम को करने की जरूरत है। एक बार हम आगे बढ़ेंगे, नागालैंड की तरफ जाएंगे, प्रेम लिंबू सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द यहाँ पे कहें। तो ये जूम मीटिंग को लेके मेरा मतलब प्लानिंग यही है कि जैसे कि हम लोग पहले भी बात ऑलरेडी कर चुका है कि ये जो जूम मीटिंग सुबह हो रहा है ये बहुत ही बेनिफिट हम लोग को मेंटली फिजिकली भी हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है ये। तो इस चीज को मैं जैसे वासुदेव सर ने बोला है कि मॉर्निंग सेशन वो अपना एक्टिविटी जो है वो अपना मतलब शाम को शिफ्ट कर दिया ये जूम मीटिंग के लिए, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैं अभी जो मैं मॉर्निंग सेशन जो मेरा जो भी रूटीन था उसको मैंने चेंज करके सबसे पहले मैं खुद को इस जूम मीटिंग में लेके आना मेरा कोशिश होता है। और ये एक्चुअली में सुबह सुबह होने से बहुत हम लोग का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग क्योंकि जनरली हम लोग कोई भी मतलब मैक्सिमम लोग जो है बुक्स रीड नहीं करते हैं, तो सुबह सुबह अगर हम लोग बुक रीड करें तो हम लोग दिन भर पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा एक्चुअल में कुछ करते नहीं है। तो हम लोग के लिए ये जो जूम है अगर हम लोग प्रॉपरली जूम में रहेंगे टीम को भी रखेंगे तो फिर हम लोग का एक बुक रीड किया हुआ जैसे, क्योंकि हम लोग यहाँ जो लोगों को सुनते हैं जो टेस्टिमोनी हमें यहाँ पता चलता है वो एक बुक पढ़ने से बेहतर शायद मेरा हिसाब से वही होता है। तो मैं खुद पहले अपने आप को जूम में लेके आ रहा हूँ और साथ में मैं अभी भी लोगों को फोन करता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप में भेजने से वो आदमी कोई लोग तो देखता भी नहीं है, ग्रुप लोग ग्रुप में कोई मतलब उस चीज को देखता भी नहीं, तो पर्सनली जब तक हम लोग उनको फोन करके फॉलो अप करके इवन बड़ा लीडर को भी हम लोग को फोन करके बताना पड़ता है ये चीज, तो वो चीज मैं अभी भी कर रहा हूँ। जो रॉयल्टी लेवल है वो लोग भी जूम में आने के लिए मतलब वो लोग इतना इम्पोर्टेंटली इसको लेते नहीं, लेकिन फिर भी एज ए लीडर मैं उन लोगों को भी फॉलो अप करता हूँ जूम में आने का और उनका टीम को भी लेके आने का फॉलो अप करता हूँ। और यही रूटीन गया तो जैसा सर ने एक चीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल, एक फसल को हम लोग जो है कंडीशन देते हैं तब जाके वो चीज मतलब मैच्योर होता है, तब चीज वो फसल उगता है। तो वही चीज लीडर भी हम लोग को एक कंडीशन देना पड़ता है, वो माहौल देना पड़ता है। तो ये जूम जो है वो अलग है, ट्रेनिंग सेमिनार चीज अलग है और जूम मीटिंग को हम लोग सेपरेटली इसको अलगली लेना चाहिए, अलग से लेना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग फिर कंपेयर करना चालू करेंगे फिजिकल मीट और जूम मीट, ये तो वर्चुअल मीट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को फिजिकल ही मीट करना चाहिए। बहुत सारा लीडर लोग ऐसे भी बोलते हैं सर कि हमें फिजिकल मीट करना चाहिए, जूम मीट से कुछ होता नहीं है। तो एक्चुअल में जूम मीट भी एक अलग पार्ट है ये, मतलब कोई भी हम लोग का ट्रेनिंग सेशन का ये अलग पार्ट है। कल भी मैंने एक जूम मीटिंग किया, मेरा जो भी लीडर है उनको लेके शाम को मैंने जो दूर दूर था जिसको मैं फिजिकली मीट नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों से भी मैं सिर्फ सुबह नहीं मैं दोपहर शाम को भी मैं रात को भी मैं जूम मीटिंग करता हूँ, तो अच्छा है। और मैं यहाँ जितना हो सके मेरा जैसे सर ने बताया 20-25 लीडर होगा तो हम लोग दुनिया का नंबर वन नेटवर्कर बन जाएंगे, तो ऐसा हम लोग को बनने के लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हाँ थैंक यू वेरी मच प्रेम सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया और आपने एक बात बहुत बढ़िया बताई सर, मुझे लगता है कि हमें पर्सनली भी लोगों को फोन करना चाहिए। अगर हम पर्सनली फोन करके अश्योर नहीं करेंगे कि हमारी टीम से कौन कौन लोग जुड़ सकता है तो हम एक असमंजस में रहेंगे। दोस्तों इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आपने लोग कितने कमाए, कितने लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं, तो वो कितने लोग आपकी बात को लेकर जूम मीटिंग में आ रहे हैं, आपकी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो फिगर आपको बढ़ाते जाना है। एक बार मणिपुर की तरफ जाएंगे, विनोद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनोद जी अपनी बात यहाँ पे रखे। विनोद जी
विनोद जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम विनोद जी को एक बार फिर से मौका देंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अभिजीत नंदी सर है, अभिजीत नंदी सर आप एक बार बताइए कि आपकी टीम कैसे प्लान कर रही है इस मीटिंग को लेके, और आपकी टीम से आने वाले समय में कितने लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सर मैरिज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं खुद तो हर मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मेरे अटेंड करने से लोगों में एक उत्साह बढ़ता है, सवेरे सवेरे सब अपना अपलाइन को देखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जो कुलाड़ी सर हमेशा कहते हैं कि हमें एक माला बनाना चाहिए कड़ी से कड़ी जोड़ के, तो हमको लगता है कि हम लोग काफी जो स्कैटर्ड थे, इस ये जो सवेरे का मीटिंग हो रहा है ना, इससे हम लोग माला बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है सवेरे हम एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है। लेकिन एक जो चीज है, मैं जो समझता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कि इंसान के अंदर जुनून और भूख होना चाहिए। आप किसी को भी मीटिंग में बुला लिए, वो एक दिन आएगा, दो दिन आएगा, तीन दिन आएगा, अगर उसके अंदर भूख नहीं है, उसके अंदर जुनून नहीं है, तो उसके लिए ये सब कुछ बेकार है। तो मुझे लगता है कि हमें वो इंसान को खोजना चाहिए जिनके पास जुनून है या भूख है, और फिर उसको जो हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह माहौल देकर उसका हम लोग बड़ा कर सकते हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है। मैं अपने तरफ से हर दिन नए लोगों से बात कर रहा हूँ जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं बट हमारे टीम में है, काफी लोग आने भी लगे हैं, और काफी ऐसे भी लोग आए हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन कल हम एक मीटिंग में बैठे थे तो वहां से मुझे पता चला कि काफी नए लोग भी आ रहे हैं, तो सारे लोगों को तो अभी मैं अरेंज करके नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे खास लीडर हैं जो नहीं आ रहे हैं, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लास्ट तीन दिन में तीन ऐसे लीडर मिले जो बिजनेस में मतलब कि 50-50 थे, लेकिन अभी ये तीन दिन के मीटिंग के बाद अभी मैं उनसे बात किया तो बहुत बोले सर ऐसा माहौल मिलेगा तो हम लोग इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कम से कम 10 लोगों को जो हमारे टीम में थे बट आज के दिन में नहीं है, उनको फिर से ये सिस्टम बता के कि देखो अभी जो बिजनेस है तुम्हारे घर पे आ गया, प्रोडक्ट घर पे आ रहा है, ट्रेनिंग घर पे आ रहा है, सब कुछ घर पे आ रहा है, तो ये बिजनेस करने में अब क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे कुछ पुराने लोग जो हमें छोड़ के चले गए थे वो भी अब धीरे धीरे बिजनेस में आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिस्टम हमारा है, ये सिस्टम में लोग आएंगे धीरे धीरे, हमें भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 400 लोग काफी दिनों से तो 400 500 600 का ही एक एवरेज चल रहा है हमारे जूम मीटिंग में, तो आने वाले दिन में इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो उसके हमें उसके इंतजार करना चाहिए। अभी तो बस 5-6 दिन हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि एक महीने के अंदर ये जो फिगर है ये 1000-2000 क्रॉस कर सकता है। मैं अपने टीम से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले 8-10 दिन के अंदर मेरे टीम से 100 लोग ये मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे, उसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अभिजीत नंदी सर अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मेघालय के लीडर ग्रेमसन वालांग सर को। ग्रेमसन सर आप एक बार अनम्यूट कीजिए और अपनी बात यहाँ पे रखिए। ग्रेमसन वालांग सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। मिस्टर ग्रेमसन ओके आई थिंक ही इज फेसिंग सम डिफिकल्टी ऑफ इंटरनेट। अग्निशिया मैडम को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। मैम अग्निशिया प्लीज अनम्यूट। यस मैम यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस मीटिंग मैम। यस माय चर्च मॉर्निंग सर, मॉर्निंग लीडर्स, टिल नाउ आई डोंट नो यस मैम ओके नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट की थोड़ी इश्यू रहती है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे मैडम से आगे बात करने के लिए। एक बार एमडी इमरान खान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए, गया बिहार से। जी सर मैं चाहे तो मॉर्निंग ऑल बिजनेस पार्टनर सभी साथियों को मेरा नए साल का शुभकामना। सबसे बड़ी चीज सर जी, मैंने अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपना एक विजन क्लियर होना चाहिए। जब तक इंसान का अपना एक विजन क्लियर नहीं होगा कि मैं क्यों करूँगा, अगर इंसान का अगर विजन क्लियर हो जाएगा तो कोई भी काम को आसान कर सकता है। जिस तरह से हमारे यहाँ गया के धरती से दशरथ मांझी ने, उनका विजन क्लियर था कि मुझे पहाड़ को काटना है, तो उसने पहाड़ को काट डाला था, किसी का मदद नहीं लिया था। तो उसी तरह से ये एक ऐसा बिजनेस है कि इंसान का अगर विजन क्लियर हो जाएगा
तो इंसान कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे अपने लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए कहा गया जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पाओगे। तो इसलिए आपका विजन क्लियर होगा तो आपका ऑटोमेटिक ये सारा चीज होगा, प्राप्त होगा। मैंने जब ये जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उसमें बहुत ही आज का जो गाने का जो टोन था तो बहुत ही प्यारा मुझे लगा। जैसे आज लोगों की बारी है, तेरा भी दिन आएगा। ये जो दिन है ये रियलिटी है, मायरी चार्ज का जो दिन है, मायरी चार्ज के अंदर में हमारे एमडी सर के अंदर में इतना एक जुनून है कि लोगों के अंदर में रोशनी देना है। जिस तरह से सर जी अभी मेरा यहाँ रात से लाइन नहीं है, डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, पूरा मोबाइल डिस्चार्ज सब चीज डिस्चार्ज पड़ा हुआ, लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे रोशनी में रहने का मैंने अपने आप में उत्साह किया, मुझे रोशनी में रहना है। तो मैंने अपने सामने अपने मैडम का मोबाइल को सामने में रखा हूँ फ्लैश ऑन करके कि मेरे के अंदर में रोशनी रहना चाहिए। जिस इंसान के अंदर में अगर रोशनी है तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसके अंदर में रोशनी नहीं है तो दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता। तो मैंने अपने अंदर में एक विजन लिया कि मुझे रोशनी में रहना है, अंधकार में मुझे नहीं रहना। अंधकार में रहने वाले इंसान कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसी तरह से मैंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले ये जूम मीटिंग को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। तो जो हमारे लीडर लोग हमारे आपके बीच में आते हैं, क्या कि मेरे अंदर में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारे लीडर जो है एक से एक लीडर आते हैं जो हमें आप सभी बिजनेस साथियों को एक गाइडलाइन देते हैं। अगर इस गाइडलाइन को अगर ले लेते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज हमारे 450 आदमी के बीच में मेरे टीम से 300 लोग जूम मीटिंग अटेंड किए हैं। ये सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर में एक खुशी मिला, और सारे लोग हमारी इस मीटिंग जूम मीटिंग को अटेंड करने से लोगों के अंदर में एक काम करने का जज्बा बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हमारा बिजनेस भी बहुत कई दिनों से हमारे 50% हमारा 2 महीना से बिजनेस उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे इस 2 महीने से बिजनेस का इतना ग्रोथ का मैंने एक विजन लिया कि जो ऑफर हमारा जो मिलता है कंपनी का जो ऑफर आता है उस ऑफर को मैं वेलकम करता हूँ, और उसी ऑफर को मैं लोगों के बीच में उतार देता हूँ। आओ भाई प्यारो है, हमारा हेल्पलाइन है, नंबर है, सभी तरह का गाइडलाइन लेने के लिए। तो जो ऑफर जो मिल रहा है कंपनी का, तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि जो पहला हमारा नॉन क्वालिफाइड ऑफर जो है 2500, 4000 से हमारा जो इंसान को काम करता है, तो मैं इस पर फोकस करता हूँ कि कंपनी का जो 2500 का है तो परफॉर्मेंस करोगे तो 900 रुपया परफॉर्मेंस कमीशन मिलेगा, और कंपनी एक्स्ट्रा ऑफर 900 रुपया दे देंगे। उसके चारों के पर्सन से मैं एक ठोक एक्टिवेशन करवा देता हूँ 2000 बिजनेस वॉल्यूम का, जिसमें हमारा 2400 रुपया का प्रॉफिट मिलता है। तो इस पर जब मैं फोकस करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या है कि नॉन क्वालिफाइड भी अचीवर हो गए, और अचीवर ऑटोमेटिक अचीवर की ओर बढ़ते चले गए। तो ये विजन के साथ मैं काम करूँ तो अभी हमारे टीम से 7 रॉयल्टी अचीवर है, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर में मेरा एक विजन है कि 20 रॉयल्टी अचीवर को मैं इस मैं आगे क्यों लेके जाऊंगा मात्र 6 महीने। तो मैंने एक विजन लेके काम करता हूँ सर जी, और जिसके कारण मैं आज हम आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं किसी को कभी डिफॉल्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने काम की ओर विजन लेके काम करता हूँ, मैं दिन रात एक करता हूँ, और मैं अपने टाइम को फॉलोअप ज्यादा करता हूँ, मैं टाइम से बिफोर चलता हूँ। अगर 6:30 बजे का प्रोग्राम रहता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरा प्रोग्राम 6 बजे है, 6:30 बजे का मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, और 5:30 बजे उठकर इस मीटिंग की तैयारी करने के लिए 5:30 बजे उठकर मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप समय को पहले से प्लान करके चलते हैं, और उस हिसाब से आपकी टीम से मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार रोबिन मंडल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू चेतन सर, थैंक यू एमडी सर, इस प्लेटफॉर्म में बात करने का मौका देने के लिए। आपका जो क्वेश्चन है उसका बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट जो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट तो यह है कि इस सिस्टम में गरीबी की चेन को तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है प्लान। मॉरिशस का प्लान को हम जितना बार दिखाएंगे और जितना बार सुनेंगे उतना ज्यादा हम एक्सपर्ट बनेंगे इस प्लान को दिखाने के लिए। तो ये जूम मीटिंग बार बार प्लान को सुनने का एक बहुत बड़ा जरिया बना है हम लोगों के लिए। जितना बार सुनेंगे उतना इजी सर तरीके से हम लोगों को बता पाएंगे, ये पूरा टीम का बात बोल रहा हूँ मैं। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि प्लान दिखाने का बाद जो फॉलोअप होता है, फॉलोअप एक थर्ड पार्टी का काम करता है। एक थर्ड पार्टी अगर फॉलोअप करेगा तो वो फॉलोअप में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और ये जूम मीटिंग के जरिए हम लोग उन लोगों से फॉलोअप मिल रहा है
जो मायरिचार्ज का टॉप लीडरशिप में है, ये मौका जूम मीटिंग के सिवा हम लोगों को मिल ही नहीं सकता है। ये दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा मैं बोलूंगा कि जैसे हम लोगों को मांगोल है सुबह सुबह खाली पेट लेने से पूरा दिन भर का जो एंटी ऑक्सीजन का कमी हम लोगों का शरीर फील करता है उसको भरपाई कर पाता है मांगोल, वैसा ही फील्ड में जाने से जो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है उसके लिए जो एंटी ऑक्सीजन का दरकार पड़ता है वो सुबह का जूम मीटिंग हम लोगों को पूरा खाली दिमाग में दे देता है। तो मैं सभी को बोलूंगा कि पूरा टीम को लेकर के जूम मीटिंग के अटेंड करवाइए ताकि उन लोगों का दिमाग में भी एंटी ऑक्सीजन जा पाए जूम मीटिंग के जरिए। और ये मेरे लिए तो बहुत वरदान हो गया जूम मीटिंग, मुझे बहुत मजा आता है, सुबह सुबह दिल खुश हो जाता है और फील्ड में जाकर के पूरा दिन भर खुशी रहता हूँ इस जूम मीटिंग के वजह से। तो थैंक यू चेतन सर, थैंक यू एमडी सर इस तरीके से एक प्रोग्राम करने के लिए। और इसके लिए मीटिंग में हाँ सर थैंक यू। और इस जूम मीटिंग को टीम में मतलब जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाए इसके लिए जूम मीटिंग खत्म होने का बाद ही मैं हर लीडर को अटेंड करने के लिए फोन करता हूँ कि भाई तुम अटेंड किए थे कि नहीं किए थे, ये मैं पूछता ही नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट यही पूछता हूँ कि सर आप आज कितना बंदे को अटेंड करवाए और कल कितना बंदे को अटेंड करवा रहे, तो उसमें क्या होता है वो और प्रिपरेशन लेना चालू कर देता है। अगर खुद नहीं भी करता है तो उसका अंदर थोड़ा शर्म आता है, तो कोशिश करता है दूसरा बार अटेंड करने के लिए। और थैंक यू सर, हम और लीडर से भी बात करेंगे और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात किया। दोस्तों ये जो जूम मीटिंग है, इस जूम मीटिंग में एक ही लिंक से हम लोग डेली ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और 6:30 बजे का टाइम फिक्स है, तो अब कोई अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं करना है आपको कि कल मीटिंग है कि नहीं, ये एवरी डे होगा संडे को छोड़ के। तो आपको अपनी टीम को इस रूप में भी आप प्रमोट कर सकते हैं। एक बार दिमापुर नागालैंड से सर उमर हमारे बीच में है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्यू यहाँ पे रखे व्हाई दिस मीटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ ही इज प्रमोटिंग दिस मीटिंग इन हिज टीम। My recharge morning, sir. My recharge morning, friends, and all the leaders from every part of the country. I'm Umar from Nagaland, and मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे एक national level पे इस तरह से Zoom के द्वारा virtual meet के द्वारा मुझे सबसे बात करने का मौका मिला। मैं अब हमारे beloved MD sir को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके लिए। और जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो इस प्रोग्राम होने से ये एक चीज बात तो क्लियर हो चुका है कि हम लोग एक तो हमारे डेली रूटीन के जल्दी जागने का और हमारे डे को रूटीन को प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। और 26 तारीख से मैं उस दिन तो मैं जर्नी में था, मैं ट्रेवल कर रहा था, फिर भी सुबेरे का टाइम में मैं वॉशअप करके और मैं थोड़ा सा मंगोल पीने के बाद मैं अपना कार में ही मैं जूम अटेंड किया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जूम मीटिंग से सुबह का टाइम में जो भी हम सीखते हैं पूरा हमको इस लंबे समय तक हम उस चीज़ को रख पाते हैं। और हमारे बिलावेट एमडी सर यूट्यूब में जब लाइव आए थे 1 जनवरी को, उन्होंने कहा था कि सुबह का टाइम शुरुआत हो तो दिन शुरुआत हो अच्छी हो, और पहला दिन शुरुआत हो तो पूरा साल अच्छा बीते। तो मैं इस बात पे स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। मैं अपना टीम को जब मुझे पता चला कि आज प्रोग्राम लीडरशिप और टीम ग्रेट बिल्डिंग पे होने वाला है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया, कॉलिंग किया। लगभग मैं 100 लोगों को मैंने मैसेज को फॉरवर्ड किया और लगभग 20-25 लोगों से मैंने कॉल पे भी बात किया। और मैं चाहूँगा कि आने वाला दिन में मेरे अधिक से अधिक टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करे। और मैं बहुत ही कम समय है लेकिन मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि मैं मुझे हमेशा चेतन सर की एक जो उन्होंने वर्कशॉप में हमसे शेयर किए थे, उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली में थे उन्होंने 2 बंदा का सुबह टाइम उन लोग से मिला। एक बंदा खड्डा खोद रहा था, दूसरा जो है उसमें उसको खड्डा को बंद कर रहा था। तो सर चेतन सर जो है वो उन्होंने घबरा कर ये इसको उनको समझ में नहीं आया, उनसे आगे जाकर पूछे कि भी क्या मामला है कि भाई, तो उन्होंने कहा भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। उन दोनों लोगों ने चेतन सर को कहा कि
मुझे डिस्टर्ब मत करो। हम लोग गवर्नमेंट के लोग हैं, तो एक सिगरेट पी रहे थे, एक खड्डा खन रहे थे, दूसरा मिट्टी लगा रहे थे। तो 2-3 घंटा के बाद सर चले गए, और आने के बाद देखा कि मामला तो वैसे ही है, वैसे ही फिर चल रहा है। तो सर चेतन डिसाइड किए कि भाई अब तो कुछ हो जाए, जो हो जाए मुझे पूछना ही पूछना है कि भाई मामला क्या है, खड्डा खनना, दूसरा खड्डा को बंद करना। तो पता चला है कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम 3 आदमी हैं, हमारे काम है खड्डा खनना और दूसरे का काम है जो है खड्डा को बंद करना, तीसरे आदमी आज छुट्टी में है जिनका काम था बीज बोना, तो वो छुट्टी में है। तो मैं इस चीज से मुझे समझ में आया, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज टीम वर्क है, और टीम हम अकेले नहीं कर सकते, हम लोग सबको मिलकर करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हम इतना बड़ा टीम खड़ा कर चुके हैं और लीडरशिप तैयार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम उसको नेगेटिव लोग से हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो थैंक यू, हम लोग इस चीज को, हम लोग बात को रखेंगे। सर चेतन को एक बार मैं कहना चाहूंगा थैंक यू इस मुकाम पे हमको पहुंचाने के लिए और हमको मौका देने के लिए कुछ बात नेशनल लेवल पे। धन्यवाद उमर सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं गुजरात से मोहन भिड़े सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किस प्रकार से अपनी टीम में इस इवेंट को लेके प्रमोशन कर रहे हैं और उनकी टीम से कितने लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय का उनका टारगेट क्या है। थैंक यू माय रिचार्ज मॉर्निंग ऑल लीडर्स, मुझे अभी सभी लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं मेरी टीम में जो कर रहा हूँ वह यह है कि जैसे कि कल के दिन में ही मैंने करीबन 4 ग्रुप मीटिंग किए, और चारों चार ग्रुप मीटिंग में मैंने ये इसी बात का प्रमोशन किया कि हमने अगले सेमिनार की तैयारी करनी है, और रोज मॉर्निंग में जो हमारा मीटिंग हो रहा है, कंपनी का जो मीटिंग हो रहा है उसको अटेंड करना है। उसको अटेंड करने से हमारे पास प्लान की जानकारी आएगी और कंपनी के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे कि इमरान जी ने कहा कि हमारे पास अगर रोशनी होगी तो दूसरे को दे पाएंगे, तो ये इसी बात पे मैं भी बिलीव करता हूँ कि हमारे पास अगर बिजनेस की जानकारी पूरी होगी तो हम लोगों को बिजनेस दे पाएंगे। तो इसी तरह से मैं लोगों के साथ बातचीतें कर रहा हूँ, और हर ग्रुप मीटिंग में, जैसे कि आज के दिन में भी मेरी 4 ग्रुप मीटिंग है, तो मैं वहां पर भी इसी का प्रमोशन करूंगा। बस इतना ही कहना है सर मुझे। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बीच में नॉर्थ बंगाल से, कूच बिहार से सुचित्रा मैडम जुड़े हुए हैं। सुचित्रा मैडम आप एक बार अनम्यूट कीजिए, जबरदस्त लेडी लीडर है। मैडम आप अपनी टीम में कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं, आपको एक लिंक भेजा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जी मैडम। খুব মানে প্রতিদিন সকালবেলা উঠে এত সুন্দর একটা মিটিং পাবো ভাবতেও পারিনি স্যার, যে ঘুম থেকে উঠতে হতো আমরা অনেক লেট করতাম, তো এই সিস্টেম যেদিন থেকে চালু হলো আমার জীবনে আরেকটা পরিবর্তন শুরু হতে লাগলো। তো আমি চেষ্টা করছি আমাদের টিম মেম্বারদেরকেও যে এই সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা ঘরে বসে পাচ্ছি, মানে এটা ভাবা যাচ্ছে না, আমাকে কোনো মিটিং এ গিয়ে শুনতে হচ্ছে না, বাইরে যেতে হচ্ছে না, এত সুন্দর লিডারদের কথা শুনছি, মানে আমরা দিনে দিনে মানে মোটিভেশন হয়ে যাচ্ছি। এত সুন্দর প্ল্যান শো, সারের প্ল্যান শো, এমডি নিজে বলছে, এত কিছু আমরা জানছি, আমি আফসোস করছি যারা এই মিটিং এ থাকছে না। আমরা এর জন্য প্ল্যান করছি, গ্রুপ মিটিং করে করে সবাইকে শেখাচ্ছি, আপনারা জুম মিটিং অ্যাটেন্ড করুন। এবং আমার এখন 4 জন লিডার আপাতত প্রেজেন্ট আছে, আমি চেষ্টা করছি 20 জনকে অ্যাটেন্ড করাবো, এবং আমি আগামী দিনে এই জুম মিটিং এর উপর ফোকাস করবো স্যার। सबसे बड़ा चीज है मतलब अपने को माइंडसेट करना है। सुबह जो मीटिंग रखा है तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए था, बिकॉज आई एम नॉट ए अर्ली राइजर। मुझे सोना तो बहुत पसंद है दूसरा लोग है जैसे, तो लेकिन इस बिजनेस ने जब मैं सुबह में ये जब मीटिंग को सुन रहा था, पहला दिन मैंने मिस आउट किया था, मुझे टाइम का थोड़ा डाउट था शाम को, कभी सुबह तो कभी होता नहीं इतना सुबह, उस हिसाब से मैंने मिस आउट किया था। और एमडी सर ने मुझे एक थम्स अप दिया था ग्रेट बोल के, तो उसमें बहुत मुझे लगा नहीं मुझे ये अच्छा चीज़ के लिए नहीं है, बुरा चीज़ के लिए दिया था। लेकिन नेक्स्ट दिन से मैं पूरा चौकाना हो गया और सुबह अलार्म लगा के स्टार्ट किया, तो लगा था मतलब 1-2 दिन होगा फिर सोने का मौका मिलेगा। तो जब रिंग होता है अलार्म का तब एक
जंग छिड़ जाता है एक माइंड और शरीर के ऊपर में। माइंड बोलता है अटेंड कर, शरीर बोलता है तो आराम कर, क्योंकि वो तो लाइव में भी मिल जाएगा तुझे, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सोचा और एक कमिटमेंट जो है मेरा ड्रीम के प्रति, इसके लिए मैं बिजनेस इसको उठ के मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करता हूँ। क्योंकि ये टीम आएगा, कोई क्या बोलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन अपना क्यों इस ये जूम मीटिंग को अटेंड करना है मुझे वहीं से पता चला। एंड दिस इज रियली मेकिंग ए गुड हैबिट इन माई सेल्फ। और मुझे यही मानना है मतलब ए हैबिट कैन मेक यू और ब्रेक यू। अच्छा हैबिट को लेना है, बुरा हैबिट को छोड़ना है, और हैबिट को छोड़ना और लेना बहुत तकलीफ का काम है। और ये जो जूम मीटिंग का जो जरिया चल रहा है, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, बिकॉज सुबह में जब आप इसको आप अलार्म को बंद करके सो जाते हो, मतलब यू आर सेंडिंग ए नेगेटिव एक मैसेज भेजते हो आप सबकॉन्शियस माइंड में सुबह से ही। अगर आप ये मीटिंग में जब आप मैं अटेंड करना शुरू कर दिया, दो तीन दिन लगातार, चार पाँच दिन, आप बिना अलार्म के मैं उठ जाता हूँ, एंड दैट इज मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। क्योंकि सुबह में जितना एनर्जी मिलता है इन लोगों को सुनने के बाद, रतन पारिया सर को सुनने के बाद, एक छोटा छोटा चीज जो हम लोग सीखते हैं वहां से, सर ने एक बहुत बढ़िया चीज बोला था, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड, बहुत बढ़िया चीज है ये। और चेतन सर का जो प्लान शो रहता है, जबरदस्त एक्साइटमेंट, मुझे लगता नहीं कोई शख्स मुझे ना बोलेगा ऐसा अगर प्लान शो करो तो। ये कहाँ से मिलेगा ये सब एनर्जी, ये जूम मीटिंग से? तो पहला बात तो मुझे तैयार हुआ, मैं इस बिजनेस में मीटिंग में बैठना है मुझे, और मुझे यही लगता है एवरी मॉर्निंग ये बिजनेस ये जो प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू करना है हम लोगों को। और साथ ही साथ ये टीम के साथ जो शेयर करता हूँ, मतलब ग्रुप में डालने से बहुत सारा, जैसे बोला था सर ने, बहुत सारा डेट डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, बहुत सारा चेक भी नहीं करता होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं उन लोगों को रेगुलरली कॉन्टेक्ट करना, फ़ोन करना यूज कर देता हूँ, और मीटिंग शुरू होने के पहले उन लोगों के साथ मैसेज, आर यू देयर, ऐसे करके कुछ मैसेज करना शुरू करता हूँ। लगभग इतना ज़्यादा तो लोग आया नहीं होगा मेरा, लेकिन लगभग 30 लोग जो है मेरे ख्याल से 25-30 लोग मेरा ग्रुप में आज मीटिंग में है। और इस कमिटमेंट के साथ करता हूँ, क्योंकि बिजनेस जो है ये बिजनेस नेटवर्क मार्केट जो है अकेले का बिजनेस नहीं है। आप जैसे लोगों को, हम लोग जैसे लोगों को, कितना लोगों को हम लोग तैयार कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं कमिटमेंट लेता हूँ, मतलब उस दिन सम नेक्स्ट वीक करीब हम लोग का 100 आदमी को मैं ज्वाइन कराऊंगा जूम मीटिंग में, क्योंकि हर एक को हम लोग को गरीबी का चेन को तोड़ना है। और ये तोड़ने के लिए पहला काम क्या है, सुबह का काम है। जो हम लोग को टफ लगता है उसको तोड़ना है, सुबह में कंबल छोड़ के आने के लिए टफ लगता है उसको हम लोग को तोड़ना है, तभी हम लोग को क्या करेगा, जो बड़ा सपना हमको अचीव कर पाएंगे। तो यही कह के मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सोविन जी, और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम कभी कई सारे लीडर से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो मेन रीजन है कि हम एमडी सर से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम लीडर्स की फौज खड़ी कर सकते हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आज भी देखिए हम लोग साल के बिगिनिंग में बातचीत कर रहे हैं, अभी जनवरी महीने का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो अभी समय को ज्यादा आगे ना लेते हुए हमारे पास बहुत से लीडर है। माई रिचार्ज में तो लीडर की फौज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एमडी सर हमारे बीच में आए और वो हमें गाइड करें कि किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच चेतन जी, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। 3 जनवरी की सुबह में हम लोग आज बात कर रहे हैं, और आज हमने टॉपिक रखा था कि भाई कैसे हम लीडर्स की फौज तैयार करें, कैसे हम ग्रेट लीडरशिप अपनी टीम में क्रिएट करें। दोस्तों मैं उसके साथ कुछ कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे साथ कोई लगभग 460-470 लोग ज्वाइन है। पहला चीज तो मैं आप सब लोगों से दो चीज कहना चाहता हूँ इस जूम के बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स पे मैं 6-7 पॉइंट्स पे आपसे बात करना चाहूंगा आज के दिन में। पहला चीज ये है कि आप इस बिजनेस को जरूर पार्ट टाइम करिए, लेकिन जूम को पार्ट टाइम मत करिए। अगर आप जूम में आ रहे हैं तो कुछ लोग क्या है कि वो 6:40 पे आते हैं और 7:20 पे चले जाते हैं, कुछ लोग जो है 7 बजे आते हैं और 7:30 बजे चले जाते हैं। तो ये 1 घंटा मुश्किल से, कभी कभी ये 70-75 मिनट का मीटिंग होता है, बाकी ये 45-50 मिनट की मीटिंग होती है। तो पहला चीज जो है हमको क्या करना है कि हमको जूम में पार्ट टाइमर नहीं होना है, जूम में हमको फुल टाइमर होना है। और उसके लिए करने की क्या जरूरत है,
वो है पहली चीज की हम जब ये 6:25 पे जब इसका 6:19 पे जो है लिंक ओपन होता है, 11 मिनट पहले लिंक ओपन हो जाता है, तो आप अपना नींद का लिंक जो है उससे और 30 मिनट पहले कर दीजिए, मतलब 5:50 वाले अलार्म आप लगाना शुरू करिए। मैंने भी 5:40 और 5:50 की लगा रखी अलार्म, मैं आपको सच्ची से बताता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उस अलार्म के ऊपर मैं नहीं उठता हूँ, क्योंकि मुझे अपने माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड की जो जो अलार्म है ना वो डेली 5:05 के ऊपर बजती है डेली, और मुझे लगता है क्या टाइम हो गया, मैं सामने अपना वॉच में देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ 5 बजे है, लेकिन उसी टाइम मेरा पहला काम क्या है कि मैं खड़ा होता हूँ। खड़ा होके जयपुर जो है अभी जैसे शिमला है, श्रीनगर है, आपका शिलोंग है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही जयपुर है, जिन लोगों को ठंडी का मजा लेना है आपका राजस्थान में आपका स्वागत है, तो इतना ठंडा होता है, उसके बावजूद भी क्योंकि हमको एक मोटा जयपुरी रजाई कंबल होती है वो और एक रजाई लेके ओढ़ के सोना पड़ता है जयपुर में, इतना ठंडा है, कभी कभी यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। आज सुबह का मुझे जो लग रहा है जितना टेम्परेचर है लगभग 2-3 डिग्री होगा यहाँ पर, उसके बावजूद भी मैं अपना रजाई को फोल्ड कर देता हूँ, अपना कंबल को फोल्ड कर देता हूँ, उनको हटा देता हूँ सबसे पहला काम, उसके बाद में फ्रेश हुए आप जो है अपना तैयारी की जो भी चीजों के लिए। तो जूम को अगर हम लीडर्स की पोज खड़ा करना चाहते, क्योंकि मैं कोई ये डायमंड डबल डायमंड क्राउन एम्बेसडर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एमराल्ड सफायर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो आज के दिन रॉयल्टी में नहीं है लेकिन उनका सपना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चल के, मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ जो इस जूम में इस उम्मीद से ज्वाइन कर रहा है कि उनकी जिंदगी बदलेगी, उनकी लाइफ में जो है रॉयल्टी आएगी, वो कभी जो है सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, सफायर बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, मैं उन सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग आज रैंक पे है वो तो टाई लगा के बैठा है यहाँ पर, वो तो वेल प्लान करके बैठा है, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी के सपने को लेके जो है यहाँ पर उम्मीद, क्योंकि बिना उम्मीद के यहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं है, आपका कोई न कोई उम्मीद है इसलिए आप इस जूम में ज्वाइन है, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आपने ज्वाइन नहीं कर रखा इस जूम को, आपको अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा चीज जो दोस्तों मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, मैं ये मेरी अपनी जिंदगी का ना ध्येय वाक्य है, मतलब उसको क्या कहें, मतलब ये उर्दू में बोलते हैं तकिया कलाम है, तो मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि जैसे लीडर पैदा नहीं होते लीडर बनाए जाते, ऐसे ही खरपतवार जो है ना, मेन्योर जो है वो क्रॉप नहीं होते, फसलें जो होती है ना वो अलग होती है, मेन्योर्स जो है वो कभी भी जो है खरपतवार जो है फसलें नहीं बनती। तो जो लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे आगे के बोलने से आगे जूम में, तो खरपतवार मत बनिए जिंदगी में, फसल बनिए, प्रोडक्टिव बनिए, मतलब फसल का मतलब है प्रोडक्टिव बनिए, अपनी फैमिली के लिए, दूसरे के लिए नहीं, आप किसी को अप्लाइज करने से कुछ नहीं होगा, अभिजीत नंदी के लिए या वासुदेव घोष जी के लिए या नसीमुल इस्लाम के लिए किसके लिए, या आप सोविंद दत्ता किसके लिए, आप प्रेम निम्बू के लिए किसके लिए नहीं आ रहे हैं सर आप यहाँ इस मीटिंग में, आप अपनी फैमिली के लिए आ रहे हैं, तो फसल बनिए। तो दो ये चीजें कहना चाहता हूँ। तीसरा चीज चेतन जी ने जो बताया था कि ये जूम हमारी जो है वो सेम लिंक पे होती है, तो आपको कभी कोई लिंक लेने की जरूरत नहीं है, जो लिंक आपके पास जो हाइपर लिंक है उस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे अक्सर संडे को छोड़ के बाकी दिन जो है यही लिंक ओपन हो जाएगा, और हमारा जो पासकोड और जो लिंक है जो नंबर है वो भी रोज जो है पोस्टर के ऊपर जो छप के आता है आप देखेंगे सेम लिंक है। तो कभी आपको पता चला कि 3 तारीख की 4 तारीख की मीटिंग का मेरे पास लिंक नहीं है, तो पहले वाला लिंक तो है आपके पास, आप ही मॉडिफाई कर लीजिए, कंपनी ने भी मॉडिफाई करके दे रखा है 6:30 AM एवरीडे जूम लिंक करके, आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यही वो लिंक है, बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको। और मैं अब दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि कल के दिन में हम दोबारा से प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे वापस से और जो है फॉलो अप करेंगे, यानी 4 तारीख को, लेकिन आज जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं एक कमिटमेंट लेना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि कैसे हम लोग और काम करेंगे। क्या आप जितने भी लोग हैं, जैसे अभी 443 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे आइडिया से फुल टाइमर सारे लोग हैं, मैं जो बोला कि आपको फुल टाइम जूम में अटेंड करना है,
क्या कल के दिन में हम सारे लोग, कोई मेहनत की बड़ी चीज नहीं है, क्या हमारे साथ प्लस टू करके हम ज्वाइन करा सकते हैं क्या कल के दिन में? आप जितने भी लोग हैं, मैं हर उस आदमी से बात कर रहा हूं जिसका सपना जिंदा है, किसी रॉयल्टी अचीवर से, किसी बड़े लीडर से बात नहीं कर रहा, जो भी व्यक्ति इस जूम में है, हर व्यक्ति से, क्या कल के दिन में हम प्लस टू करके अपने साथ इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? आप और आपके साथ दो नए लोग आज जो ज्वाइन कर रखे हैं, वो सब तो ज्वाइन करने हैं, उसके अलावा दो नए लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो जो मैं आगे बात करने वाला हूं उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ तीन चार चीजें थी जिनके ऊपर मैंने बात की। अब मैं आता हूं उस चीज के ऊपर कि अभिजीत ने बोला था कि भूख होगी कि भूख पैदा नहीं की जा सकती। भूख पैदा करने का मैं एक तरीका बताता हूं आप लोगों को आज के दिन। और भूख पैदा करने का तरीका यह कि आपकी टीम में जिन भी लोगों का, देखिए जो भी व्यक्ति को भूख जो है ना वो ड्रीम है, क्योंकि खाना जो है वो कोई भी व्यक्ति, हम में से हर कोई व्यक्ति खाना खाता है, लेकिन ये खाना बनता कैसे है, ये खाना खाते कैसे है, उसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत सारी चीज को मिलके वो खाना बनता है। और खाना खाने के लिए भी हमको बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, प्लेट में या थाली में डालना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, कुछ लोग जो है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये मस्त है, ये खराब है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो खाना खाना भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही ड्रीम का जो खाना है उसको कैसे बनाएं, आपका कैसा ड्रीम है, ये इसको लेके आप अपनी टीम में जो है इस काम कर सकते हैं। और वो है कि जितने भी लोग आपकी टीम में इस बिजनेस में आए हैं, उनके साथ आप उनकी फैमिली के साथ बैठना शुरू करिए और उनको बोलिए आपके परिवार को मान लो 50,000 से 1,00,000 रुपया हर महीना आए तो क्या करना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग को जब पूछते हैं आपका ड्रीम क्या है तो उनको पता नहीं होता उनका ड्रीम क्या है, लेकिन उनको ये पता है कि उनको पैसे की जरूरत है, और वो पैसे की जरूरत क्यों है वो भी फाइंड आउट आ सकता है। आप डायरी खोलिए, वहां पे उनसे भी लिखवाना शुरू करिए। आप लिखिए कि आपको 50,000 से 1,00,000 रुपया हर महीना अगर आने लग जाए माय रिचार्ज से, तो आप उस पैसे का क्या करना चाहेंगे। और उसमें हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, बेटा बेटी, बहन भाई, सारे लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देना शुरू कर देते हैं। इसमें वासुदेव जी बहुत अच्छे से बताते हैं, उनकी फैमिली का सब कुछ चेक कर रखा उन्होंने, इसलिए ये फैमिली बिजनेस। मुझे ये समझ में नहीं आता है वासुदेव जी का कि वासुदेव जी कर रहे हैं कि उनके वाइफ कर रहे हैं कि बेटी कर रहे हैं कि बेटा कर रहे हैं। उनकी मदर अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी सब लोग इस रूप में इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। मतलब आपको ये आभास ही नहीं होगा कि इनमें से लीडर कौन है, लीडर कौन नहीं है। तो जब हम 50,000 से 1,00,000 रुपया की बोलते हैं आपकी फैमिली में आए तो उसका क्या करना चाहेंगे, जो वो बताएंगे ना, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे, बच्चों के एडुकेशन करेंगे, मेरे को गहना चाहिए, ये चीज, यही ड्रीम है, यही उस फैमिली का ड्रीम है। आप जो बोल रहे हैं लोन उतारो, ये करो, लोन उतारो एक दूसरी फैमिली का ड्रीम हो सकता है, एक दूसरी फैमिली का ड्रीम हो सकता है विदेश की, एक दूसरी फैमिली का ड्रीम हो सकता है आउटिंग करना, एक दूसरी फैमिली का ड्रीम हो सकता है कि डोनेशन देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन एक दूसरी फैमिली का ड्रीम हो सकता है कि वो बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये इम्फाल की जो हमारा सेमिनार हुआ था अक्टूबर में, उसमें मदन शर्मा जी ने बहुत अच्छा रखा था कि मैं जब एक छोटी सी नौकरी करता था तो मैं लगातार जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने जाता था और मुझे लगता था मेरे बच्चे भी क्या इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ बोलता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे आज उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये उनका एक ड्रीम है, लेकिन हर एक का वो ड्रीम नहीं हो सकता। तो जब हम बोले कि 50,000 से 1,00,000 रुपया अगर आपकी फैमिली को मिले तो क्या करना चाहेंगे, तो ये कॉन्क्रीट ड्रीम आ जाएगा। और जो लोग ड्रीमर है ना वही आगे बढ़ते हैं, जिनके ड्रीम नहीं है वो इसलिए सुबह में लेट उठते हैं, वो जून को डिले से ज्वाइन करते हैं, वो जो है बहुत सारे बहाने बनाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं इस मीटिंग को, उनका एक ड्रीम है कहीं ना कहीं, छोटा या बड़ा कोई ना कोई ड्रीम है। हो सकता है वो 30,000 रुपया कमाने का, हो सकता है किसी का 3,00,000 कमाने का, हो सकता है किसी का 30,00,000 कमाने का, हो सकता है किसी का 1,00,000 रुपया महीने का कमाने का हो, लेकिन एक ड्रीम है। ड्रीम ही हमको उठाता है, ड्रीम ही हमको, और ड्रीम जो है वो टाइम बेस्ड होता है। हमने जूम कर दिया 7:30, हम बोलेंगे नहीं आज मन नहीं कर रहा 7:30 बजे कर, तो थोड़ी ना होगा।
तो ये हमने जब पब्लिकली अनाउंस कर दिया तो उनका जब ड्रीम बन जाता है उस ड्रीम को पब्लिकली अनाउंस करिए फैमिली के साथ मिलकर पूरा, और टीम में भी बताइए कि उनका ये ड्रीम बना लिया है उन्होंने। तो इस चीज को हम जब करेंगे तो इस ड्रीम के साथ आपका जो डेली रूटीन है मीटिंग का और जूम का उसको भी ऐड करिए, तो उन लोगों को आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोग आएंगे, अपने आप आने लग जाएंगे। तो इस चीज को जो है, और ये कड़ी करते हैं जो लीडर की टीम से, अगर 20 लोग रेगुलर अगर इस टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप पीछे पलट के देखिए कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपकी टीम से, अगर 20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 20 लोग आपके पास हैं इस टाइप के जिनके सपने आपने फाइंड आउट करने और अपने सपने के लिए करना चाहते हैं। आप जिन एक से डेढ़ साल में यहाँ पे 2-3 लाख रुपया नॉर्मली कमाने लग जाएंगे बहुत सिंपली। तो लीडर्स की फौज कैसे खड़ी होगी, सबसे पहले वो भूख को जगाना पड़ेगा ड्रीम को फाइंड आउट करके। पहला पॉइंट है, अगर आप अपनी टीम में भागो स्मार्ट कंज्यूमर करो डायमंड क्लब करो तुम ये बन जाओ, नहीं होगा। उनके सपने को फाइंड आउट करिए, उनके सपने के साथ ही मुझे दौड़ना है, आपके लिए मेरे लिए कोई नहीं दौड़ेगा। हमको लोगों का दर्द जब हमारा दर्द बन जाएगा ना, तो लोग हम रोएंगे तो रोएंगे, हम हंसेंगे तो हंसेंगे, हम डांस करेंगे तो डांस करेंगे, हम उठेंगे तो उठेंगे, हम बैठेंगे तो बैठेंगे। लोगों का दर्द हमारा दर्द होना चाहिए, उसको हमको जो है उनके ड्रीम के साथ उनके सपने को हमको फाइंड आउट करना है। बहुत बार लोग अपने सपने को फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसको फाइंड आउट करने में हमें मदद करनी है फैमिली के साथ। दूसरा चीज यह है कि जब फैमिली के साथ हमने इसको फाइंड आउट कर लिया तो इसको फैमिली बिजनेस ही बनाना है पूरी तरह। जितने भी लोग फैमिली बिजनेस के रूप में इस बिजनेस को करते हैं वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। सुचित्रा मैडम से मैंने 12th एनिवर्सरी से पहले पहुंचा, मैडम आप कहां पे पहुंचे, बोले हम पहुंच गए हैं कलकत्ता पहुंच गए। आपके हस्बैंड भी आए, बोले हाँ आए हैं करके। वो अपने हस्बैंड को लेके आई है वहां पे, वहां स्टेज पे खड़े होकर जो है स्पीच कर रहे हैं, पूरा फैमिली जो है उस रूप में। उनकी बेटी है 12-13 साल की, वो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो भी उनके स्टैंड अप से उनके फ्रेंचाइजी पे बिलिंग करने में उनको मदद करती है इस बिजनेस को करने में। तो ये फैमिली बिजनेस जैसे ही बन जाएगा पैसा ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। जिनको पैसा आएगा उनको आप 4 बजे जूम में बुला लीजिए भाई, 6 बजे बुला लीजिए, रात को बुला लीजिए, दिन में बुला लीजिए, हर वक्त आएंगे। तो मेन चीज है ये दो पार्ट हो गए, पहला है कि ड्रीम फाइंड आउट करना, दूसरा फैमिली को इन्वॉल्व करना है पूरी की पूरी। इस चीज को हमें हर हाल में करना ही करना है। अब एक पॉइंट और है कि इस काम को करें कितने दिन, कैसे करें, लिस्ट बिल्डिंग कितने। एक व्यक्ति मेरे को बोला, सर मेरा मैं 300 लोगों की लिस्ट बना चुका हूं लेकिन मेरा बच्चा इतना छोटा है सर, वो इधर उधर उसको फैला देता है। मैं भाई आपको 300 की लिस्ट क्यों चाहिए, आपको 20 लोगों की लिस्ट अगर आपके पास है तो ये 20 ही तो आपके 20,000 हो जाएंगे। आपको बोला नहीं मुझे 1,000 की लिस्ट बनानी फिर काम शुरू करना है, तो कंफ्यूजन कहाँ है। डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा ना तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपके पास 20 लोग हैं तो 20 से तो मिलो आप जाके। ये लोग दो चीज करेंगे, पारिया जी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, उनके पास भी 19 ही लोग थे, 20 नहीं थे। उन्होंने जिनको प्लान दिखाया था फिर लिस्ट खत्म हो गई, तब उन्होंने एक चीज को फाइंड आउट किया। बहुत सारे लोग करते हैं इसको नोन टू अननोन वर्ल्ड। जो व्यक्ति के पास जा रहे हैं या तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी लेके आप जा रहे हैं, आप बिना वेपन के अगर उतर जाएंगे तो नहीं होगा, तो लीडर्स की फौज तैयार नहीं होगी। पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करके फील्ड पे उतरना है। तो जिसके पास हम जाएंगे प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, या तो वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे या तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे, तीसरा तो कोई रिजल्ट नहीं होगा। अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट बनेगी, उनकी लिस्ट के ऊपर हमें काम करना है। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनसे बोलना है कि सर मैडम आप इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ लोग आपकी नॉलेज में ऐसे होंगे जिनको रियल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जरूरत होगी, जिनको रियली जो है अपनी जिंदगी में कुछ जो है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या मुझे आप 2-3 लोगों का रेफरेंस देंगे। जब वो अगर रेफरेंस देते हैं, वो कब देंगे, जब हमारी बात उन्होंने आपको रिजेक्ट भी किया, आपके प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया आपने जो बताया, उसके बावजूद भी एक बड़े लीडर की पहचान है। बहुत ही हमको आसान बना रहना होता है वहां पर, बहुत ही कोई बात नहीं, आपको नहीं आया ठीक है,
लेकिन और कुछ लोग हो सकते हैं एक स्माइल के साथ जब हम बात करेंगे और वो जब आपको रेफरेंस देंगे, यही आपका तो प्रोस्पेक्टिंग, नया प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास ये आ गया, लोगों की लिस्ट आ गई। इन लोगों को जब दिखाएंगे तो आपके पास रेफरेंस होगा। सुदीप दास ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन सुदीप दास ने मुझे दो लोगों का नाम दे दिया। विनोद जी ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन विनोद जी ने मुझे तीन लोगों का नाम दे दिया। अब मैं चेतन चावड़ा जो है वो सुदीप दास के रेफरेंस है, मैं इनसे जब मिल रहा हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि सुदीप दास जी ने मेरे को आपका नंबर दिया है, आपका नाम दिया है, मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपसे मिल रहा हूँ। तो ये हमारे पास रेफरेंस आ गया यहाँ पे। तो हजारों का लिंक नहीं बनाना है, आपके पास अगर 15 से 20 लोग हैं आप चालू करिए उसको, फील्ड में जाए, इसको रूटीन में करना है। जैसे बहुत अच्छे चेतन जी ने भी इसको रखा था कि तीन किस्म के लोग, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर और सम टाइमर। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप सिस्टम में 2 साल से, मैं वो आपको 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 2 साल से हैं और आपको अगर 20-25 हजार भी इनकम नहीं आ रही है तो दोस्त आप सम टाइमर हैं, आपको पार्ट टाइमर में या फुल टाइमर में आपको बदलना पड़ेगा। फुल टाइमर में तो फुल टाइम आपको पता ही है कि मेरा तो काम ही मायरी चार्ज है पूरा, लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई दूसरी चीज करते हैं, आप कोई दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके साथ आपको कम से कम आपका 2 से 3 घंटा आपको डेली इस काम के लिए लगाना पड़ेगा। सुबह उसमें एक जूम हो गई, साथ में जो है इसी को जो है फील्ड में इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज, हम जूम सुन रहे हैं मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे काम नहीं होगा। जूम सुन के मजा नहीं आना चाहिए, जूम सुन के आग लगनी चाहिए अंदर, जूम सुन के हमारा डायरी और पेन खुल जाना चाहिए, जूम सुन के हमारे को आज हमको किसको जो है 2 घंटे जो है किन किन लोगों से हमें बात करनी है, इस बिजनेस को प्लान प्रेजेंटेशन करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, ये चीज लगनी चाहिए। तो मजा नहीं आना चाहिए जूम से, जूम से जो है आग लगनी चाहिए। तो इस चीज को हमको पॉइंट नंबर 3 जो है ये है, पहला है कि फैमिली के ड्रीम्स हमको फाइंड आउट करने, अगर आपके भी फाइंड आउट नहीं है अपने सीनियर को बुलाइए, ड्रीम को फाइंड आउट करिए। दूसरा फैमिली बिजनेस को करिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मैं छुप छुप के इसको बिजनेस करूं, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते, मेरे पापा नहीं चाहते, मेरी मम्मी नहीं चाहती है। भाई मम्मी और पापा जो है ना इस दुनिया के, वो सबसे बड़े टीचर हैं आपके। आपको लग रहा होगा कि वो नहीं है, लेकिन जितना आपको जिन लोगों को जो मम्मी का जो प्यार है और पापा की जो आंखों की जो शर्म है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ ले जाती है। तो वहां पे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं आज तो दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो है, प्रोडक्ट बेस्ड जो चीजें हैं उनको लेके जो है दुनिया भर में गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट भी इसको रेगुलराइज कर रही है, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। और नेक्स्ट है टारगेट इन माई रिचार्ज सिस्टम। अगर आप एक सच में एक लीडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर एक माध्यम है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस एक माध्यम है, डायमंड क्लब एक माध्यम है, न्यू जॉइनी ऑफर एक माध्यम है, एक मीडियम है। आपको अपना टारगेट, जैसे आपने लिखा ना कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, आपने जो ड्रीम बनाया है इसके साथ आपकी रॉयल्टी की भी एक डेट लिखिए कि मुझे सिल्वर में इस डेट में पहुंचना है। सिल्वर में जो है उनको अपना एक करना। अच्छा, इसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अभी सुन रहे हैं बोले सर 2023 एंड होते होते मैं सिल्वर पहुंच जाऊंगा। भाई सिल्वर अगर 2023 पहुंचेंगे तो आपके सपने जो आपने लिखे हैं ना वो पूरे नहीं होंगे। 3 मंथ 90 दिन का टारगेट लेना आपको। अगर आप आज के दिन 0 है तो, अगर आपका 50,000 बिजनेस हो चुका है, आपको फरवरी में ट्राई करना है कि मुझे सिल्वर क्वालिफाई करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपका 60,000-70,000 बिजनेस है, आपको जनवरी 2023 आपके लिए सिल्वर रॉयल्टी का महीना है, आपको टारगेट फिक्स करना है और उसके लिए काम करना है। क्योंकि 20 से 25 आपके अगर स्मार्ट कंज्यूमर हो जाते हैं आपके, अगर तो आपका सिल्वर रॉयल्टी का बिजनेस आ जाता है। अगर आपके सिर्फ 6 डायमंड होते हैं जो परिया जी ने दिखाया था तो 36,000 बिजनेस आता है वहां से, और आप भी अगर कर रहे हैं तो 42,000 होता है, तो आपका सिल्वर आ जाता है, 5 से 6 हजार की इनकम आपको आ जाती है। अगर आप सिल्वर हैं तो रैंक कब चेंज करेंगे तारीख लिखिए, और ये फिर जो है 2023 स्टैंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 2 मंथ में एक व्यक्ति को आपको सिल्वर कम से कम खड़ा करना है, 2 महीने में आपको अपना गोल्ड जो है वो क्लियर करना है। अगर आप गोल्ड हैं तो सफायर कब बनेंगे लिखिए।
अगर आप सफायर हैं तो एमरल्ड कप बनेंगे, लिखिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सोचना बड़ी चीज है। जैसे ही सोचना शुरू करेंगे ना, विद इन 1 to 2 months में जो है आपका जो है रैंक चेंज हो जाएगा। साहिबगंज से हमारा लीडर है दानिश सर, उन्होंने डिसाइड किया कि सर मैं जब जब आपसे मिलूंगा अपना रैंक चेंज करके आऊंगा। तो वो पहली बार सिल्वर बन के आए, दूसरी बार इतना जल्दी प्रोग्राम आ गया बिहार में, लेकिन वो फिर गोल्ड बन के आए। कल रात में उन्होंने मेरे से वापस से पूछा कि सर मुझे सफायर बनना है, कैसे करना है, मुझे तो बनना ही बनना है। आप देखिए कुछ दिन में सफायर बन जाएंगे। कितने सारे लोग नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में, बंगाल में, गुजरात में, हर जगह पे जो है लोग जो है रैंक चेंज कर रहे हैं। तो रैंक चेंज करने की डेट लिखिए, डायमंड कब बनेंगे डेट लिखिए, डबल डायमंड कब बनेंगे डेट लिखिए। तो हमको डेट लिखना है, क्योंकि डेट के बिना, तारीख के बिना कोई भी हमारा सपना जो है ना वो पूरा नहीं होता है। क्योंकि बड़े लीडर अगर हमको बनाना है तो हमको भी बड़ा बनना पड़ेगा उसके लिए। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो ये मेरा हो गया चौथा पॉइंट। और एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे मैं आपसे आखिर में बात करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे से परसों बात किया था कि सर मैंने आपने बताया स्ट्रेंजर जो है ना आपकी टीम बनाएंगे, तो मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मैं घूम रहा हूँ लगातार, बहुत स्ट्रेंजर मिल रहे हैं लेकिन मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ उनसे, तो स्ट्रेंजर से कैसे बात करूँ। तो स्ट्रेंजर से जो है ना कैसे बात करें, इस पे मैं बहुत बार बात करता हूँ। आज अगर मैं बात करूंगा बहुत लंबी चली जाएगी। मैं 2-3 चीजें बात करना चाहता हूँ कि आप अगर किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो लोगों से कैसे बात करेंगे। मैं आपको 5-6 क्लू देता हूँ, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। हम लोग तो ऐसे फेक स्टोरी बनाते हैं करके। मेरा घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी मैं रोज कहानी सुनाता हूँ कि एक बंदर बाहर में पार्क में मैं घूम रहा हूँ तो बंदर पेड़ पे चढ़ गया। अच्छा बंदर, मैं बोला फिर वो नीचे ट्रैक पर उतर गया। अच्छा फिर वो दौड़ के इधर चला तो एक शेर आ गया सामने। अच्छा फिर क्या हुआ, शेर किधर गया। मैं बोला उस शेर को, मेरे को देख के शेर भागा। बोला नहीं आपको देख के नहीं, मुझे देख के शेर भागता। मैं बोला हाँ उसको पता चल गया तुम इस कॉलोनी में रहते हो इसलिए शेर तुमको देख के उधर भागने लगा, लेकिन बीच में बहुत सारे पक्षी उसके ऊपर उड़ने लग गए। तो ये स्टोरी जो है ना, ये स्ट्रेंजर से मिलने का जो है ना, जैसे ट्रेन में हम लोग बैठे हैं तो हमारे पास बहुत माने, आज बहुत ठंडी है, सामने वाले से बात, हमें स्ट्रेंजर कभी बात नहीं करेगा आपसे, आपको स्ट्रेंजर से बात करनी है। आज बहुत ठंडी है, आज तो गर्मी है, ट्रेन बहुत साफ है, ट्रेन देखो कितनी गंदी है, ये ट्रेन हमेशा लेट चलती है, ये ट्रेन हमेशा सही टाइम पे चलती है, आज कितने कम लोग हैं, आज बहुत ज्यादा लोग हैं, आज जो है देखिए त्योहारों का मौसम आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि लोग देखिए कुछ कुछ जो है आज बहुत नए नए कपड़े पहन के लोग। आपके पास बहाना होना चाहिए बात शुरू करने का। बात जब शुरू होगी तो वो कहीं की कहीं चली जाएगी। जब यहाँ पे हुई तो आपकी एक दोस्ती जैसा माहौल बन जाएगा वहां पर। एक दुकानदार से आप मिलते हैं, उनसे पूछिए भाई कितने साल से दुकान करते हैं, क्या क्या बेचते हैं, कितना प्रॉफिट होता है आपको, कितने घंटे खोलते हैं, उसका सारा दुख निकल के बाहर आएगा। कहाँ पे बचा है, अभी तो कुछ बचा नहीं है बिजनेस में, इतने घंटे बैठता हूँ ये करके। वहां पे आपने एक रूटीन बनाया, 3-4 दिन बाद रखिए ना अपना बिजनेस उनके पास, बोलिए एक छोटा सा बिजनेस है इसको भी करके दीजिए। आप जो स्ट्रेंजर से बात करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। दूसरा चीज ये है कि आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, बातू नहीं होना, इसको टोकेटिव बोलते हैं, मतलब नॉनसेंस जो बात होती है कि कैसे हम उसको शुरू करेंगे। इसके बहुत सारे माने, इसके ऊपर एक लंबा लेक्चर चल सकता है, बहुत सारे मैंने 2-3 आपको एग्जाम्पल बताए। तो ये चीज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी वो लिस्ट है ना, वो लिस्ट आपके आसपास ही पड़ी है बहुत सारी, जिनसे आप वर्षों से आमने सामने चल रहे लेकिन बात नहीं करते, वो सारे लोग आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, वो स्ट्रेंजर सारे के सारे होंगे। क्योंकि लीडर्स की फौज करनी पड़ी, खड़ी करने के लिए हमको स्ट्रेंजर्स की भी जो है जरूरत होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे आप लोगों से बात करनी थी। और आखिर में मैं फिर बोलूंगा, कल की जून में हम लोग फिर से प्लान प्रेजेंटेशन और फॉलो अप में आएंगे। और आप सब लोग, अगर आप लीडर्स हैं, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे 444 से, अब बात करें 417 से, तो सम टाइमर और पार्ट टाइमर जो जूम में है ना उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं, कल हम लोग सब लोग 2 और नए लोगों को ये बताते हुए कि ये मीटिंग 1 घंटा चलेगी, वो उनको भी पार्ट टाइमर नहीं बनाना है कि ये मीटिंग 1 घंटा चलेगी और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल इसका है,
आपको कल के दिन में इसको ज्वाइन करना है, प्लान प्रेजेंटेशन होगा, फॉलोअप किसी से सक्सेसफुल लीडर की स्टोरी आएगी इसके अंदर, उसको सुनना है। कल के दिन में हम लोग जो है सुबह मिलेंगे 6:19 पर। ध्यान रखिए 11 मिनट पहले लिंक चालू होता है, 6:19 पे जो है आपको अपने लोगों को ज्वाइन कराना है। हम लोग कितना सीरियसली जो है लोगों के ड्रीम को फाइंड आउट करके आगे बढ़ रहे हैं, ये कल कुछ हमको झलक थोड़ा सा दिख जाएगा इस चीज का। बाकी कुछ पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इनको इम्प्लीमेंट, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज जो है वही जो है हमारे रिजल्ट को कन्वर्ट करेगा। जब तक नॉलेज अप्लाई नहीं होगा, नॉलेजेबल तो बहुत लोग हैं, या इस जूम में भी बहुत लोग हो सकते हैं कि सर हमको मौका नहीं दिया बोलने का। देखिए हम बोलते तो ना लोगों को इतना हम ज्ञान दे पाते कि कुछ चीज की कोई हद नहीं। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज करके आइए। आप सबका स्वागत है, कल सुबह 6:19 पे मिलेंगे। चेतन जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने बताया कि किस प्रकार से हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और सटीक पॉइंट बताया कि हमें क्या करना है। दोस्तों कल का मीटिंग तो सच में बहुत ही खास है, क्योंकि कल जो प्लान होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और जो सक्सेस स्टोरी आपको जो व्यक्ति अपनी बताने वाले है वो एकदम जबरदस्त है। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कल मैं आऊंगा अपने साथ दो लोगों को लेके। आज अभी इस मीटिंग में 408 लोग हैं, मैं 400 ही मान के चलता हूं, तो 400 लोग कम से कम दो, जरूरी नहीं है कि दो ही लाना है, कम से कम दो। वो नए प्रोस्पेक्ट्स को भी आप ला सकते हैं जिसको प्लान दिखाया है, जो अभी अभी जुड़ा है, जो आपका प्रोडक्ट ले रहा है लेकिन बिजनेस नहीं कर रहा है, जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है लेकिन ज्वाइन नहीं किया, जो पॉजिटिव है लेकिन ज्वाइन कर लिया, जो पहले प्रोडक्ट लेता था अभी नहीं ले रहा है, जो पहले काम करता था अभी किसी रीजन से नहीं कर पा रहा है, जो काम कर रहा है, जो पार्ट टाइमर है, जो फुल टाइमर है, जो आपका डाउनलाइन है, आज मीटिंग मिस कर गया, जिसका आज इंटरनेट नहीं आया, जिसके घर पे आज बिजली नहीं थी, जो आज बाहर चला गया, जो आज बीमार था, कोई भी, लेकिन कल कम से कम दो लोग। आप 5 लोग लेके आइए, 10 लोग लेके आइए, आप चाहे कितने भी लोग लेके आए, लेकिन कल की मीटिंग में कम से कम दो लोग आपको लेके आना है 6:19 पे। तो इसी मैसेज के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, इस मीटिंग का यहाँ पे अंत करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।